कल हमने आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व के बारे में पढ़ा था कि ऐसी कर्व की जिसकी यूनिट स्पीड ना हो उसके लिए हम फ्रेनेट फ्रेम कैसे, टेंजेंट, नॉर्मल, बाई नॉर्मल, कर्वेचर और टार्शियन, उसके लिए उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं जी। आज हम उनके एक्सप्रेशंस देखते हैं जी, फार्मूलाज क्या हैं जी। ये थ्योरम है हमारे पास, लेट अल्फा बी अ रेगुलर कर्व इन आर क्यूब, देन टी इज इक्वल टू अल्फा प्राइम और अल्फा प्राइम का नॉर्म, एन हमारे पास है बी क्रॉस टी और बी हमारे पास है अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम ओवर अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम का नॉर्म। ये हमारे पास तीन रिलेशंस हैं आर्बिट्रेरी कर्व के लिए। आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व हो तो टी एंड बी ऐसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। कर्वेचर हमारे पास उसका रिलेशन है अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम का नॉर्म और अल्फा प्राइम का क्यूब, और टार्शन है जी अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम डॉट अल्फा ट्रिपल प्राइम, इनका यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तीनों डेरिवेटिव्स का, और अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम का स्क्वायर। ये हमने पांचों रिलेशन जो फ्रेनेट फ्रेम है इसके लिए, ये हमने प्रूव करने आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व के लिए। कल हमने फ्रेनेट फार्मूलाज पढ़े थे टी प्राइम, एन प्राइम और बी प्राइम, और उस पर हमने देखा था कि जो आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व है, जो न्यू स्पीड फंक्शन है, करेक्शन फैक्टर के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, यानी वो हर में इन्वॉल्व हो रहा होता है। अगर न्यू को वन कर दें तो वो फार्मूलाज जो है वो यूनिट स्पीड कर्व के लिए बन जाते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं जी। वी नो दैट इफ अल्फा इज अ रेगुलर कर्व विद स्पीड फंक्शन न्यू, देन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा आर गिवन बाय अल्फा प्राइम इज इक्वल टू न्यू टी, अल्फा डबल प्राइम इज इक्वल टू डी न्यू बाय डी टी इंटू टी प्लस कैपा न्यू स्क्वायर एन। ये कल हमने एक थ्योरम पढ़ा था, एक रिजल्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ये उसी की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अल्फा अगर रेगुलर कर्व हो विद स्पीड फंक्शन न्यू तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरह कैलकुलेट की जा सकती है और एक्सेलरेशन इस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। और कल हमने डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन का टेंडेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट उनकी फिजिकल मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे अल्फा प्राइम इज इक्वल टू न्यू टी है। अब न्यू हमारे पास क्या है, स्पीड फंक्शन, तो स्पीड फंक्शन हमारे पास जो स्पीड होती है हम कहते हैं कि वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। तो अल्फा अगर कोई कर्व हो तो अल्फा प्राइम जो होगी उसकी वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी वेक्टर का जब नाम लेंगे तो वो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। तो न्यू की जगह पे अल्फा प्राइम का नॉर्म पुट कर देंगे, आगे लिख दिया गया ऐसे न्यू इज स्पीड, क्योंकि न्यू स्पीड है और अल्फा कर्व की स्पीड हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया अल्फा प्राइम का नॉर्म। तो इस तरह टी हमारे पास आ गया अल्फा प्राइम और अल्फा प्राइम का नॉर्म। अब अल्फा प्राइम का नॉर्म हमने इधर डिवाइड कर दिया है, लेकिन डिवीजन में जब तक हमें कन्फर्म ना हो कि ये चीज़ नॉन जीरो है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हम उसकी रीज़न देंगे कि ये वाकई अल्फा प्राइम का नॉर्म नॉन जीरो है। कैसे नॉन जीरो है, क्योंकि अल्फा रेगुलर कर्व है। जब अल्फा रेगुलर कर्व है तो रेगुलर कर्व की डेफिनेशन यही होती है कि उसके हर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनता है वो नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्फा प्राइम होगा वो नॉन जीरो होगा। जब अल्फा प्राइम नॉन जीरो होगा तो उसका जो नॉर्म है वो भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि नॉर्म की ये प्रॉपर्टी है कि किसी वेक्टर एक्स का नॉर्म इज इक्वल टू जीरो होता है इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर वो वेक्टर जीरो ना हो तो उसका नॉर्म नॉन जीरो होता है। तो इसलिए हमने ये नॉर्म इधर डिवाइड कर दिया है। फ्रॉम द अबव स्टेटेड लेमा वी हैव, हमने वही एक्सप्रेशन लिख दी है अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम। अब हम कैलकुलेट करते हैं, अल्फा प्राइम का एक्सप्रेशन लिख दिया है न्यू टी, और अल्फा डबल प्राइम का ये एक्सप्रेशन हमने लिख दिया इधर। जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये टी क्रॉस टी और ये टी क्रॉस एन आ गया, और टी क्रॉस एन किसके इक्वल होगा, वो बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये कैपा न्यू क्यूब इंटू बी,
अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम कैपा न्यू क्यूब इंटू बी के इक्वल हो गया। सिंस बी का नॉर्म इज इक्वल टू वन, बाई नॉर्मल वेक्टर फील्ड का यूनिट बाई नॉर्मल वेक्टर फील्ड है उसका नॉर्म वन हो गया, और न्यू किसके इक्वल है अल्फा प्राइम का नॉर्म के, और ये अल्फा प्राइम का नॉर्म चूंकि पॉजिटिव है, अल्फा प्राइम नॉन जीरो है तो ये नॉन जीरो हो गया, ये पॉजिटिव हो गया तो न्यू भी पॉजिटिव हो गया। अब न्यू भी पॉजिटिव है और बी का नॉर्म वन है तो ये जो हमारे पास इसका नॉर्म बनेंगे अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम का नॉर्म, ये इक्विवेलेंट किसके होगा, कर्वेचर पॉजिटिव के, यानी ये तो हमें कन्फर्म है ये पॉजिटिव है तो इसका जो नॉर्म है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, जो यूजुअल कंडीशन हमारे पास कर्वेचर पॉजिटिव। तो जब कर्वेचर पॉजिटिव हो, अब देखें ये भी पॉजिटिव है, ये नॉर्म तो हो गया वन और ये भी पॉजिटिव है, जब कर्वेचर पॉजिटिव हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ये सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन ज़ीरो। तो जब पॉजिटिव हो जाए, अब देखें दो जो वेक्टर्स हैं अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, जब एक ही डायरेक्शन में हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, जब वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो इसका मतलब ये है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अब इसी के अपोजिट अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नॉन जीरो आ जाए तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, जब डिफरेंट डायरेक्शन में है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यही चीज़ इधर लिखी हुई है, क्योंकि अल्फ़ा प्राइम क्रॉस अल्फ़ा डबल प्राइम ये हमने देख लिया, बी का नॉर्म वन होता है, कैपा न्यू क्यूब और कैपा जो है हमारे पास वो भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब यही है कि इसका जो हमारे पास अगर इसका नॉर्म पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब यही है कि ये नॉन जीरो है अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम, अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो डिटरमन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एज डू टी एन एंड, तो ये ए ऑस्कुलेटिंग प्लेन को डिटरमन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बी की डायरेक्शन में है, जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट बी की डायरेक्शन में है तो हमें पता है कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल होती है उस प्लेन पे जिस प्लेन में ये लाई करते हैं, तो इसका मतलब है ये क्रॉस प्रोडक्ट अगर बी की डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है अल्फा प्राइम और अल्फा डबल प्राइम ये टी एन प्लेन में लाई कर रहे हैं, टी एन प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो बी इज इक्वल टू किस के इक्वल आ गया, अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम कैपा न्यू का क्यूब, अब ये दोनों नॉन जीरो हैं इसलिए हमने डिवाइड कर दिया, तो अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम ओवर कैपा न्यू क्यूब किस के इक्वल आ जाएगा, अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम का नॉर्म, यहाँ से जब नॉर्म लेंगे तो ये आ जाएगा जी कैप अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम का नॉर्म, यहाँ इसकी जगह पे हमने ये रिप्लेस कर दिया जी। अब देखें जी अल्फा डबल प्राइम हमारे पास ये है, ये क्रॉस हुआ हुआ है जी, ये डबल प्राइम है, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे अल्फा ट्रिपल प्राइम यानी विद रेस्पेक्ट टू टी, तो विद रेस्पेक्ट टू टी इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो एक टर्म ये आ जाएगी एक टर्म ये आ जाएगी, इसी तरह जब इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो पहले के का डेरिवेटिव फिर न्यू स्केयर का डेरिवेटिव फिर एन का डेरिवेटिव, अब हमारे पास टी उसी तरह लिख दिया हमने, टी प्राइम का हमें पता है फ्रेनेट फार्मूला कैपा न्यू एन है, और एन प्राइम की जगह पे हमने लिख दिया कैपा न्यू टी प्लस टा न्यू बी, जब अल्फा प्राइम और हमें पता है कि अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम वो किसके इक्वल है कैपा न्यू क्यूब बी के, अब जब इनका डॉट
अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम कैपा न्यू क्यूब बी के इक्वल है, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे अल्फा ट्रिपल प्राइम के साथ तो इसका मतलब ये है कि टी और एन वाली सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, सिर्फ बी वाली जो टर्म है उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट वो नॉन जीरो आएगा। तो ये सारी टर्म जीरो हो गई तो जो बी वाली टर्म है वो हमारे पास इसकी आ जाती है कैपा न्यू क्यूब, और इसकी क्या आ जाती है कैपा टा न्यू क्यूब। तो ये आ गई, तो ये आ गया कैपा स्क्वेयर न्यू सिक्स इंटू टा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कैपा न्यू क्यूब का स्क्वेयर इंटू टा, और कैपा न्यू क्यूब जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम का नॉर्म का स्क्वेयर। तो टा की वैल्यू आ गई अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम डॉट अल्फा ट्रिपल प्राइम ओवर यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास टॉर्शन का एक्सप्रेशन आ गया। अब ये एक एग्जांपल है जिसके लिए हम ये एक आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व है उसके लिए हम फ्रेनेट ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं जी। अब उसके लिए हमें पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव चाहिए, ये तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब अल्फा प्राइम डॉट अल्फा प्राइम किसके इक्वल आ रहा है 18 इंटू 1 प्लस 2 टी स्क्वेयर प्लस टी 4। अब न्यू टी किसके इक्वल है अल्फा प्राइम टी का नॉर्म, और देखें ये 1 के इक्वल नहीं आ रही। अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यील्ड्स अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम, जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे जिस तरह सिंपल आप लोअर क्लासेस में लेते होते हैं, सिर्फ वहाँ पे आप आई जे के पुट करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे यू वन यू टू यू थ्री, तीन यूनिट वेक्टर उसके, तो हम ये पुट करेंगे तो ये अल्फा प्राइम वेक्टर आ गया, ये अल्फा डबल प्राइम वेक्टर आ गया, तो इनका रिजल्ट ये हमारे पास वेक्टर आ गया। डॉटिंग दिस वेक्टर विद इटसेल्फ वी गेट इसका यानी डॉट प्रोडक्ट जब अपने आप के साथ लेंगे अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम डॉट प्रोडक्ट, तो उसका रिजल्ट इसके इक्वल आ जाएगा। तो जब उसका नॉर्म लेंगे तो नॉर्म किसके इक्वल आ गया जी, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो नॉर्म का स्क्वेयर होता है, तो ये बेसिकली जो इसका अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट है वो नॉर्म का स्क्वेयर है। जब नॉर्म का स्क्वेयर है तो नॉर्म लेंगे तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। द एक्सप्रेशन फॉर अल्फा प्राइम अल्फा क्रॉस अल्फा डबल प्राइम एंड अल्फा ट्रिपल प्राइम यील्ड, इसका जो एक्सप्रेशन है और इसका एक्सप्रेशन है जब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे अल्फा प्राइम क्रॉस अल्फा डबल प्राइम कैलकुलेट करके, फिर उसका जब अल्फा ट्रिपल प्राइम के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी जी। आगे हैं जी, इट रिमेन्स टू सब्स्टिट्यूट दिस डाटा इन टू द फार्मूलाज इन थ्योरम 4.3 with n being computed by another cross product। तो ये हम जितने भी हमने values calculate की हैं जब इसमें put करेंगे तो t की value alpha prime cross alpha double prime इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगी, b की value alpha prime cross alpha double prime over उसका norm वो ये आ जाएगी value, और curvature और torsion की जब ये values हम calculate करेंगे कंप्यूट करेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगी। ये कैलकुलेशंस नहीं, और एन किसके इक्वल आएगा बी क्रॉस टी, ये बी वेक्टर भी हमारे पास है और उसके बाद ये टी वेक्टर भी वेक्टर फील्ड भी है, इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास एन आ जाएंगे। इस तरह हम फ्रेनेट फ्रेम फाइंड कर सकते हैं जी, ये फ्रेनेट फ्रेम आ जाएगा और ये कर्वेचर और टॉर्शन की वैल्यू आ जाएगी आर्बिट्रेरी स्पीड कर्व के लिए। आगे जी, सम एप्लीकेशंस ऑफ फ्रेनेट फार्मूलाज, के फ्रेनेट फार्मूलाज किस तरह अप्लाई किए जा सकते हैं या किधर किधर अप्लाई किए जा सकते हैं जी। देयर आर अ नंबर ऑफ नेचुरल वेज इन विच अ गिवन कर्व बीटा गिव राइज टू अ न्यू कर्व बीटा टिल्डा हुज ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज इल्यूमिनेट सम एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ बीटा। यानी बहुत सारे मेथड्स हैं या बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो यूनिट स्पीड कर्व है बीटा वो एक नई कर्व में चेंज की जा सकती है, जो जो वो जो नई कर्व है वो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज
कुछ जो है ना वो उसकी जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं वो ओरिजिनल कर्व के कुछ एस्पेक्ट्स बता रही होती हैं, या ओरिजिनल कर्व का वो बिहेवियर बता रही होती है कि ओरिजिनल कर्व कैसी है हमारी। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिप स्फेरिकल इमेज ऑफ अ यूनिट स्पीड कर्व बीटा, कि हम यूनिट स्पीड कर्व का स्फेरिकल इमेज लेते हैं। आप स्फेरिकल इमेज क्या है जी, डिफाइन कैसे करते हैं? द स्फेरिकल इमेज ऑफ अ यूनिट स्पीड कर्व बीटा इज द कर्व सिग्मा अप्रोक्सीमेटली टी, यानी ये तकरीबन वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड के इक्वल आती है, हैविंग द सेम यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स एज टी इज इक्वल टू बीटा प्राइम। यानी इसके जो यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन से होंगे? वही जो बीटा प्राइम टी के इक्वल है, तो वो जो बीटा प्राइम के कोऑर्डिनेट्स हैं वही इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये जो नई कर्व है, ज्योमेट्रिकली सिग्मा इज गॉटन बाय मूविंग ईच टी एज टू द ओरिजिन ऑफ आर क्यूब एज शोन इन फिगर। ज्योमेट्रिकली हम ये जो नई कर्व है, ये जो कर्व सिग्मा है, स्फेरिकल इमेज है उस बीटा कर्व का, ये कैसे हासिल की जाती है जी, कि वो जो बीटा कर्व है उसके हर पॉइंट पे जो टेंजेंट वेक्टर बनाया गया है, उस टेंजेंट वेक्टर की जो वैल्यू है वो हर पॉइंट पे कैलकुलेट करके और उसको आर क्यूब में प्लॉट करके तो हम उसकी जो स्फेरिकल इमेज है वो फाइंड कर सकते हैं। आप देखें, ये सपोज हमारे पास ये बीटा कर्व है, तो बीटा कर्व के जहाँ हर पॉइंट पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर बनाते जाएं, उन टेंजेंट वेक्टर की वैल्यूज उस पॉइंट पे कैलकुलेट करते जाएं, तो वो जो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर की वैल्यू आएगी हर पॉइंट पे, वो जब हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास ऐसी कर्व बनेगी, ये हमारे पास सिग्मा कर्व है जो इसका स्फेरिकल इमेज है। अब ये जो स्फेरिकल इमेज है, आप देखें बीटा कौन सी कर्व है? यूनिट स्पीड कर्व। तो जब बीटा प्राइम लेंगे तो बीटा प्राइम का नॉर्म हर पॉइंट पे क्या आएगा? कोई भी पॉइंट पुट करते हैं, बीटा प्राइम का नॉर्म क्या आएगा? 1। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो टेंजेंट वेक्टर फील्ड है ये यूनिट टेंजेंट बन रहा होगा। जब ये यूनिट टेंजेंट बन रहा होगा, यानी उसकी हर वेक्टर हर पॉइंट पे जो वेक्टर बन रहा है टेंजेंट वेक्टर, उसकी लेंथ 1 है। जब उसकी लेंथ 1 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व बनेगी, ये नई कर्व जो स्फेरिकल इमेज है, ये एक यूनिट स्फीयर पे लाई कर रही होगी। क्यों? क्योंकि जो हर टेंजेंट वेक्टर बनेगा बीटा का, उसकी लेंथ 1 है। जब लेंथ 1 है तो ये एक यूनिट स्फीयर पे लाई कर रही होगी। अब फॉर एग्जांपल आप देखें, ये हमारे पास एक जो हमने हेलिक्स की एग्जांपल ली थी, ये हमारे पास यूनिट स्पीड कर्व है, यूनिट स्पीड कर्व। अब यूनिट स्पीड कर्व का बीटा प्राइम लेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा ए ओवर सी साइन एस ओवर सी, ए ओवर सी कॉस एस ओवर सी, बी ओवर सी। अब देखें ये किसकी है एग्जाम्पल, हमारे पास हेलिक्स की। अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो ये इस टाइप की बनती है जी फिगर। ये डिफरेंट वैल्यू देंगे ए और बी की, डिफरेंट ए और बी की कोई फिक्स वैल्यू लेके हमारे पास, और एस की कुछ वेरिएशन दे के हम जब इसको प्लॉट करेंगे तो वो हमारे पास ये वैल्यू, ये हेलिक्स की फॉर्म बनेगी। और हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है उसकी ये कर्व बन रही है। अब देखें ये जो डेरिवेटिव की कर्व बन रही है उसमें बी ओवर सी जेड कोऑर्डिनेट अब कांस्टेंट हो गया है। इस केस में जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, जब जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो इसीलिए ये जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग ये इंक्रीज कर रही है कर्व। लेकिन इस दूसरे केस में हमारे पास जो उसका जेड कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है। जब जेड कोऑर्डिनेट इसका फिक्स है तो इसका मतलब ये है कि ये किसी फिक्स डिस्टेंस पे जेड एक्सिस पे किसी फिक्स्ड पॉइंट पे, वो पॉइंट कौन सा है? बी ओवर सी। उस पे ये एक, क्योंकि ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये अब सर्कल बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो जेड कोऑर्डिनेट है ये सर्कल बनेगा, ये इस टाइप की इसकी फिगर बनेगी जी, ये सर्कल बन रहा है। तो अब हमने क्या थ्योरी में पढ़ा है जी, कि ये जो स्फेरिकल इमेज है, ये जो बीटा प्राइम है, यानी ये जो सारे उसके हर पॉइंट पे टेंजेंट ले रहे होते हैं या टेंजेंट की वो वैल्यू ले रहे होते हैं, वो सारी किस पे लाई करनी चाहिए? ये
ये सारी जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी की हैं ये किस पे लाई करनी चाहिए, यूनिट स्फीयर पे लाई करनी चाहिए। तो अगर हम इनको प्लॉट करते हैं इस तरह यूनिट स्फीयर के ऊपर, यूनिट स्फीयर के साथ, तो आप देखें कि ये सारी जो पूरी कर्व है ये यूनिट स्फीयर के ऊपर ही लाई कर रही है, ये सारी हमारे पास ये जो हमने पहले ये कर्व बनाई है और ये हमारे पास एक यूनिट स्फीयर है, तो यूनिट स्फीयर के ऊपर ही ये कर्व उसकी बाउंड्री के ऊपर लाई कर रही है।